हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी टाइम। आई एम तान्या मलिक और आज हम नीट की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और क्योंकि हमें एज सून एज पॉसिबल हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हम सिर्फ स्ट्रेटजी को दिमाग में रखते हुए, हम अगर जो लोग, आपने सुना होगा कि जो लोग विदाउट स्ट्रेटजी कोई काम करते हैं वो चाहे जितने बड़े जीनियस हों वो कुछ भी नहीं पा सकते, जबकि बल्कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो भी अगर एक स्ट्रेटजी से कोई काम करेगा तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो फिर हम स्ट्रेटजी के बारे में ही बात करते हैं आज। सबसे पहले ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम टेबल, कि भाई आप टाइम टेबल क्या है, आप कैसे पढ़ेंगे। ओके, सो टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गैप। अगर आप गैप नहीं ले रहे हैं तो आप पे मेंटली बर्डन पड़ जाएगा, इसलिए गैप लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 8 आवर्स a day पढ़ रहे हैं तो एवरी हाफ एन आवर एक 5 मिनट ब्रेक और एवरी 1 आवर एक 10 मिनट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। 10 to 15 एज़ योर कन्वीनियंस। आप सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि टाइम टेबल में हम चारों सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करेंगे, ठीक है, डेली टाइम टेबल में। तो इफ़ यू आर टेक मतलब स्टार्टिंग 8 आवर्स, चलो 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें कितना टाइम बायो को देना है, कितना केमिस्ट्री को और कितना फिजिक्स को। तो फर्स्टली तो ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है हम उसे सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। देखिए, मैक्सिमम सबका सब्जेक्ट फिज़िक्स बहुत वीक होता है तो हमें उसे टाइम देना है। बट अब बात करें अगर रैंक की, तो मेन रैंक बनती है बायो से एंड प्लस केमिस्ट्री। अगर आप बायो और केमिस्ट्री 100% करके आ रहे हैं और फिज़िक्स में थोड़ा कम है, फिज़िक्स आपकी रैंक डिसाइड करता है, आप समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप टाइम को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आवर्स है तो चलो हम 3-3 आवर्स दे देते हैं बायो और फिज़िक्स को, एंड बचे हुए आवर्स हम दे देते हैं केमिस्ट्री को। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग की स्ट्रेटजी में नेक्स्ट क्या है। टाइम टेबल तो हमने बना लिया, ठीक है, हम ऐसे पढ़ेंगे, बट और क्या इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। अगर यू हैव टू मतलब रीड इट वेरी वेरी थॉरली कि भाई सिलेबस है क्या। आपको सिलेबस की एक एक लाइन पता चलनी चाहिए कि क्या मतलब है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो डाले हैं, आप देख भी सकते हैं, बट आप रीड करिए सिलेबस को। और सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है जितना टाइम टेबल, कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। तो सिर्फ हम उतना ही पढ़ें जितना हमें पेपर क्लियर करना है। दिस इज़ आर मेन मोटो राइट नाउ, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब क्योंकि आपको MCQ एग्ज़ाम देना है तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस किस चीज़ की? फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट की, हम कितना टाइम किसको देंगे पेपर के टाइम पे, कि हमें बायो भी करना है, केमिस्ट्री भी, फिज़िक्स भी। ओके, तो प्रैक्टिस इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए हमने MCQ की प्रैक्टिस कर ली कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, बट अब हमें फिज़िक्स का नहीं समझ आ रहा कि ये क्वेश्चन, तो क्या हमें फिज़िक्स के उसी क्वेश्चन पर बैठे रहना है या फिर आगे बढ़ जाना है, ये सब बहुत देखने वाली चीज़ें हैं। तो सिंपल आंसर ये है कि आप वो क्वेश्चन पहले करिए जो आपको आ रहे हैं, जो आपको एकदम ट्रूली लगता है कि हाँ ये तो पक्का ही यही होगा आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। एज आई सेड अर्लियर, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो डेली स्टडी कर रहे हैं उसमें भी, आप जब पेपर देने जाएंगे उसमें भी टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है हेल्थ। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपकी फिज़िकल हेल्थ मैटर करती है। आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी केसेस हैं। सो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉक्स और सैम्पल पेपर। जो मॉक टेस्ट होते हैं, सैम्पल पेपर होते हैं, अब आप फर्स्ट डे से तो नहीं लगाने लगेंगे मॉक, तो फर्स्टली आपको कुछ कवर करना पड़ेगा। तो मेरी जो राय है वो सबसे बेहतरीन ये है कि आप बायो का अगर एक चैप्टर आपने पढ़ा, चलिए बायो का एक चैप्टर हमने सेल पढ़ा, तो जैसे ही हमने सेल पढ़ा तो उसको समझने के बाद हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे, एंड देन सबसे पहले हम इसका मॉक लगाएंगे। अगर हम उसके क्वेश्चंस देख लेंगे कि सेल में आखिरकार क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। वैसे तो हम PYQ का ये जो सेक्शन है, इस स्ट्रेटजी में हमारा PYQ बहुत मैटर करता है,
आज आप जैसे इस तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले आप देखेंगे सिलेबस पैटर्न, उसके बाद आप बुक से पहले इम्पॉर्टेंट है PYQ देखना कि क्वेश्चन आ किस टाइप के रहे हैं, क्या उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, किस टाइप के, अब सेल में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सेल तो नहीं पूछ रहा होगा। इसलिए हमें PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इधर हम कर लिए, मान लीजिए पहले सेल की हमने स्टडी की, फिर हमने रिवाइज किया, और जो नेक्स्ट है वो हमारा मॉक है, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। और द नेक्स्ट इज रिविजन। रिविजन एज यू ऑल नो रिविजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप पढ़ तो लिए, रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे रहेगा? आप कितना, अगर मान लीजिए आपने 4 चैप्टर्स पढ़ लिया, आपने रिविजन नहीं किया, तो फिर आप 4 महीने बाद सेम जगह पे आ जाएंगे ना, आपको कुछ भी नहीं आ रहा। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन कैसे करना है, वॉट इज़ द प्रोसेस, इफ़ यू वॉन्ट टू नो तो आप कॉमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। पर रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो टेक इट वेरी सीरियसली कि रिविजन ज़रूरी है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको 4 बार रिवाइज कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। ये हालांकि आप 4 बार पढ़ रहे हैं और उसके बाद 1 बार रिवाइज कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एक पढ़िए बट 4 बार रिवाइज कीजिए, ओके? सो नेक्स्ट इज़ नोट्स। अब नोट्स की बात आती है कि भाई नीट पेपर में MCQ बेस्ड है, हमें लिखना नहीं है, तो नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं? तो रिवीजन के लिए नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार सेम, अगर मान लीजिए आप मेरे लेक्चर से पढ़ लिए पर आपको वो नोट्स अगर मिल जाएंगे तो उनसे रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। आप दोबारा वीडियोस नहीं देख सकते किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, या बार बार किताब तो नहीं खोलेंगे, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नोट्स भी ऐसे जो शॉर्ट और क्रिस्प हों, जिनको जिनके लिए आपको फिर से उतना ही माइंड ना लगाना पड़ जाए कि पूरा, अगर आपने पता चला 1 घंटे का वीडियो है और मान लीजिए 10-15 पेज के नोट्स बना लिए, तो अब वो हर चैप्टर के 10-15 पेज के नोट्स आगे जाके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप पे। तो आप प्रिफर करिए कि माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट्स बनाइए। और जिसे नहीं समझ आता माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट, मेरे सारे वीडियो माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट पे रहते हैं, तो आपको नोट्स तो वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी माइंड मैप इज़ ऑल अबाउट दिस, ये जो मैंने बनाया है कि ये स्ट्रेटजी है, ये ऐसे ऐसे करना है, दिस इज़ ऑल माइंड मैप। इससे आपको आसानी होगी याद करने में, समझने में, आपको पूरा रटना नहीं पड़ेगा, ओके? एंड द नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या चीज़ है, ओके? सो नेक्स्ट इज़ फार्मूला। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कह रही हूँ, बायो में भी फार्मूलाज हैं बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेन फोकस होना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी है कि फार्मूले याद करने से आपको उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ओके? एंड द लास्ट इज इक्वल अटेंशन। इक्वल अटेंशन देनी है आपको सारे सब्जेक्ट्स को, एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे इक्वल अटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बायो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ओके? सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स। बाकी कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कॉमेंट कर लीजिए।